हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और हम सबको अपने घरों पर सीलिंग फैंस की यानी कि पंखों की ज़रूरत पड़ने वाली है। कुछ लोगों ने नया घर बनाया होगा सर्दियों के टाइम पर और उन्होंने सोचा होगा जब गर्मी आएंगी तो पंखे लगवा लेंगे। कुछ लोगों के पंखे पुराने हो गए होंगे और वो नए पंखे लेने की सोच रहे होंगे, लेकिन पंखे कौन से बढ़िया है मार्केट में, ये पॉइंट तो काफ़ी ईजी है, मैं आपको बता दूंगा, इस वीडियो में कवर कर दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो पंखे बढ़िया क्यों हैं। मार्केट में आपको काफ़ी ऐसे वर्ड्स सुनने को मिलते होंगे जैसे कि इस पंखे में BLDC मोटर है, ये कम वोल्टेज कंज्यूम करता है, ये 5-स्टार रेटिंग वाला है, इसकी जो ब्लेड साइज़ है वो 1200 mm है। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि ये सही हैं या गलत हैं। हो सकता है कोई चीज़ गलत भी हो लेकिन वो शॉपकीपर आपको बता देगा कि यार ये सही है, मार्केट में यही चलती है, सब यही लेते हैं और आपको मानना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जो सीलिंग फ़ैन खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता फ़ैन कहाँ से खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं या ऑफलाइन खरीदते हैं, अगर आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपने घर के लिए एक बढ़िया फ़ैन लेकर आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सीलिंग फ़ैन खरीदते समय जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है वो है नंबर ऑफ ब्लेड्स, यानी कि आपके पंखे में कितनी ब्लेड्स हैं। आमतौर पर जितने भी पंखे होते हैं उनमें 3 ब्लेड्स देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा कुछ पंखों में 4 या 5 ब्लेड्स भी होती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, 3 ब्लेड्स वाले लें या 5 ब्लेड्स वाले? तो मैं आपको बता देता हूँ, कम ब्लेड्स होती हैं तो वहाँ पर आवाज़ ज़्यादा होती है लेकिन एयर फ्लो अच्छा होता है। अगर ब्लेड्स ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर आवाज़ कम होती है पंखे की लेकिन एयर फ्लो भी कम हो जाता है। तो आप देखिए कि आपको एयर फ्लो से मतलब है या पंखे की आवाज़ से। 3 ब्लेड्स वाले जो फ़ैन होते हैं इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं, इतनी कोई आवाज़ भी नहीं करते, एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हमेशा 3 ब्लेड्स वाला ही आप फ़ैन कंसीडर कीजिए। नंबर ऑफ़ ब्लेड्स के बाद आपको ये भी देखना होता है कि उस ब्लेड का साइज़ कितना है। जब आप मार्केट में फ़ैन लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंट साइज़ की ब्लेड्स देखने को मिलेंगी। 900 mm से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है और 1400 mm साइज़ तक की ब्लेड भी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। तो आपको कौन से साइज़ की लेनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपके कमरे का साइज़ कितना है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं जिस चार्ट में आपको अलग अलग रूम के साइज़ के हिसाब से कितने mm की ब्लेड का पंखा आपको लेना चाहिए वो उसके सामने मेंशनड है। आप देख सकते हैं अगर किसी रूम का साइज़ 50 स्क्वायर फीट या उससे कम है तो आप उसके लिए 600 से 900 mm का फ़ैन ले सकते हैं। ज़्यादातर ये बालकनी, बाथरूम और पूजा रूम जैसे रूम्स में यूज़ होता है। इसके बाद जैसे जैसे रूम का साइज़ बढ़ता रहेगा, जैसे कि 50 से 70 स्क्वायर फीट, 75 से 160 स्क्वायर फीट और 160 से ज़्यादा, तो वहाँ पर अलग अलग रूम का साइज़ होता है जो कि उसके सामने मेंशनड है। 50 से 70 वाले किचन, स्टडी रूम, सिंगल बेडरूम, ऑफिस रूम, ये सब होते हैं जहाँ पर 900 से 1050 mm की ब्लेड साइज़ के फैंस यूज़ होते हैं। जो नॉर्मल एक साइज़ होता है, आइडियल साइज़ होता है फ़ैन का, वो होता है 1200 mm। मार्केट में आपको जितने भी फैंस मिलेंगे ज़्यादातर 1200 mm वाले मिलेंगे जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है। और जो भी नॉर्मल रूम होता है जैसे कि डाइनिंग रूम, लिविंग रूम या कोई लार्ज बेडरूम भी होता है तो वहाँ पर 1200 mm वाले ब्लेड साइज़ वाले फैंस ही यूज़ होते हैं। जो ज़्यादा बड़े बेडरूम होते हैं लाइक हॉल होते हैं तो वहाँ पर आप 1200 mm से ज़्यादा ब्लेड साइज़ वाले फ़ैन्स कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप 1200 mm वाला ही लेना चाहते हैं तो 2 फ़ैन उस हॉल में आप लगा सकते हैं। तो अगर आप ये चार्ट अच्छे से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को समझ सकते हैं, अपने रूम के साइज़ के हिसाब से आप फ़ैन ले सकते हैं। वरना मैंने आपको बता दिया जो स्टैंडर्ड फ़ैन का साइज़ होता है वो 1200 mm होता है, तो 1200 mm ब्लेड साइज़ वाले ही फ़ैन्स आप लीजिए। इसके बाद आपको फ़ैन की परफॉर्मेंस देखनी होती है, वो देखने के 2 तरीके हैं। पहला होता है CMM, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्यूबिक मीटर पर मिनट, इसका मतलब होता है कि एयर फ्लो कितना है उस फ़ैन का। इसके बाद दूसरा होता है RPM, जिसकी फुल फॉर्म होती है रोटेशंस पर मिनट, इसका मतलब होता है कि स्पीड कितनी है उस फ़ैन की। तो मार्केट में जो ज़्यादातर आपको फ़ैन्स मिलेंगे उनकी CMM की अगर मैं बात करूँ तो 200 से 230, 240 के आसपास उनकी CMM होती है, और जितनी ज़्यादा होती है उतनी बढ़िया एयर फ्लो होती है और ज़्यादा से ज़्यादा CMM वाला आपको लेना चाहिए। RPM की बात करें तो RPM आपको अलग अलग उसकी देखने को मिल जाएंगी, 300, 350, 400 RPM के फैंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी जितनी ज़्यादा RPM होगी उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। इसके बाद आपको मोटर टाइप देखनी होती है, तो इसमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला तो आपको फ़ैन की पैकेजिंग पर ऐसा देखने को मिलेगा इसकी कॉपर मोटर है या एल्यूमिनियम मोटर है, तो मैं आपको अभी बता दूं कॉपर मोटर वाले फ़ैन्स ही आपको लेने हैं। एल्यूमिनियम मोटर जो होती है वो लो क्वालिटी की होती है, उसका प्राइस आपको कम मिलेगा फ़ैन का लेकिन उसकी लाइफ भी कम हो जाती है, तो हमेशा कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर ही लीजिए। इसके बाद काफ़ी जगह पर फ़ैन का ऐसा देखने को मिलता है कि ये BLDC मोटर है। नॉर्मल जो हमारे घरों पर फ़ैन लगे होते हैं पुराने ज़माने के जो फ़ैन हैं या ज़्यादातर अभी भी हम अपने घरों पर लगवाते हैं उनमें सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है, लेकिन मार्केट में आजकल नए फ़ैन्स आने लगे हैं जिनमें BLDC मोटर का यूज़ होता है। तो BLDC मोटर क्या है, इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं नॉर्मल मोटर के मुकाबले। सबसे पहली एडवांटेज है कि इसमें आवाज़ कम होती है।
दूसरी इसकी एडवांटेज है कि इसमें बिजली की खपत भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब ये दो अच्छे फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं तो इसका प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस कितना बढ़ जाता है, नॉर्मल सीलिंग फैन आप अपने घर के लिए खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 1200 1500 या 2000 रुपए का पड़ जाएगा, लेकिन BLDC वाला जो सीलिंग फैन होता है वो आपको 3000 से 4000 के बीच में पड़ेगा। लेकिन ओवर द पीरियड जब आप उसको लगाकर यूज़ करेंगे तो मैंने बताया बिजली की खपत काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पर इसका जो कॉस्ट आपने शुरू में एक्स्ट्रा पे करी है वो पूरी आपकी वसूल हो जाएगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वाले फैंस ही कवर करके दिखाऊंगा, 5 टॉप मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो आगे भी बनाऊंगा जिसमें मैं BLDC फैंस कवर करूंगा, तो जब वो वीडियो बन जाएगी उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फैन की वॉटेज देखनी होती है, तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वाले फैंस हैं जो नॉर्मल हम अपने घरों पर यूज़ करते हैं ये 70 से 75 वॉट के आसपास कहीं पर कंज्यूम करते हैं। कुछ आजकल बढ़िया टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं जो कि 50 55 वॉट भी कंज्यूम करते हैं। जो BLDC मोटर वाले फैन मैं आपको बता रहा था वो 25 से 30 वॉट कंज्यूम करते हैं, यानी कि बिल्कुल आधी, तो वो वाले दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे। वॉटेज पर आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा वॉटेज वाला आप फैन लेंगे तो उसमें आपका थोड़ा सा बिजली का बिल आपको बढ़कर मिलेगा, और वहाँ पर अगर आप इन्वर्टर पर लाइट जाती है आपके एरिया में और इन्वर्टर पर आप फैन चलाते हैं तो जल्दी बैटरी डाउन हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा वॉटेज कंज्यूम हो रही है। तो हमेशा कम से कम वॉटेज लेने की कोशिश कीजिए, उसी में फ़ायदा है। इसके अलावा कुछ सीलिंग फैंस पर आपको डबल बॉल बेयरिंग ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, तो बेयरिंग आपको पता होगा एक सर्कुलर टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जिससे कि वो रोटेट होता है, तो ऐसी अगर बॉल्स की दो रो बन जाती हैं तो उसको डबल बॉल बेयरिंग बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे आपके फ़ैन की थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है, तो हमेशा कोई भी आप फ़ैन लें उस पर अगर डबल बॉल बेयरिंग लिखा हुआ है तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये तो हो गए कुछ बाइंग पॉइंट्स जो आपको हमेशा सीलिंग फैन खरीदते समय ध्यान में रखने होते हैं। इनके अलावा कुछ टिप्स भी मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूँ। आपको अगर अपने रूम में एयर फ्लो बढ़िया चाहिए किसी भी सीलिंग फैन का, तो वहाँ पर कोशिश कीजिए जो फैन की नीचे ज़मीन से जो हाइट है वो मिनिमम 8 से 10 फीट के आसपास होनी चाहिए, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो भी एयर फ्लो बढ़िया नहीं होगा, कम होगी तो भी एयर फ्लो बढ़िया नहीं होगा, तो 8 से 10 फीट के आसपास उसकी हाइट होनी चाहिए। दूसरा, वारंटी जो होती है सीलिंग फैंस पे वो स्टैंडर्ड 2 साल की वारंटी आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप किसी भी ब्रांड का सीलिंग फैन ले लीजिए। अब 2 से कम कहीं पर मिल रही है तो बिल्कुल इग्नोर कर देना उस फैन को, 2 से ज़्यादा मिल रही है तो वहाँ पर कोई कंडीशन होगी, एक बार वो कंडीशन चेक कर लेना। इसके अलावा आजकल ज़्यादातर सीलिंग फैंस पर आपको एक वर्ड लिखा हुआ देखने को मिलेगा जिसका मतलब होता है एंटी डस्ट कोटिंग या फिर डस्ट फ्री कोटिंग। ये कुछ नहीं है, ये एक मार्केटिंग गिमिक है। इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको ऐसा बोल रही है कि इस फैन पर डस्ट नहीं लगेगी, इस पर धूल नहीं लगेगी, आप बेफिक्र होकर लंबे समय तक चलाइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस वीडियो में मैं एक ऐसा फ़ैन कवर करूंगा जिन्होंने अपनी टाइटल में लिखा हुआ है कि हमारा जो फ़ैन है वो एंटी डस्ट कोटिंग के साथ आता है, इस पर डस्ट नहीं लगेगी, लेकिन एक कस्टमर ने वो फ़ैन खरीदा, यूज़ करा और उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करी इंटरनेट पर, और वो फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सेम फ़ैन है और उस पर कितनी धूल जमी हुई है वो अपनी आंखों से देखना आप। तो अब जबकि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, जहां पर मैं आपको 5 मॉडल्स दिखाता हूं अलग अलग ब्रांड की तरफ से, इनके प्राइसेस बताऊंगा, इनके फीचर्स बताऊंगा, और फीचर सुनने के बाद आपको खुद पता लगेगा कि किसी का प्राइस ज्यादा है वो ज्यादा क्यों है और कम है तो कम क्यों है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है क्रॉम्पटन ब्रांड की तरफ से क्रॉम्पटन हिल ब्रिज। 1200 mm का सीलिंग फैन है ये, और जो ये हिल ब्रिज लिख रहा है ये इसका मॉडल नेम है। ये मॉडल नेम आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है क्योंकि एक ब्रांड के मल्टीपल मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आपको मॉडल नेम से ही उनको आइडेंटिफाई करना होता है। इसका जो प्राइस है वो मार्केट में 1500 से 1600 के बीच में है, और ये प्राइस मैं आपको अमेज़ॉन का बता रहा हूँ क्योंकि अमेज़ॉन पर सबसे कम प्राइस था। अगर आपको कहीं और से ये लेना है, ऑफलाइन पता करना है, तो आप पता कर सकते हैं, अगर सस्ते में मिल रहा है तो बढ़िया बात है, वरना अमेज़ॉन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप सारी डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं, और हो सकता है जब आप लिंक पर क्लिक करें तब प्राइस थोड़ा और कम हो गया हो तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसका जो प्राइस 1500 से 1600 के बीच में है उसके फीचर्स देख लेते हैं ऐसा क्यों है। सबसे पहले इसमें कॉपर वाइंडिंग मोटर आपको मिलती है, अच्छी बात है। स्वीप साइज जो इसका है वो 1200 mm है जो कि 48 इंच होता है, ये भी स्टैंडर्ड साइज है। वोल्टेज यहाँ पर 75 वॉट आपको मिलती है, जो कि मैंने आपको बताया था ज़्यादातर सीलिंग फैंस में 75 वॉट के फैंस ही आपको मिलेंगे। इसकी जो स्पीड है वो 370 RPM है जो कि अच्छी है, मिड रेंज में आती है, ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है, लेकिन मिड रेंज में ही आती है। एयर डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो 205 cmm की इसकी एयर डिलीवरी है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी कम है क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर जो फैंस होते हैं जो बढ़िया एयर फ्लो वाले माने जाते हैं वो 230 cmm के आसपास होते हैं। इसमें आपको डबल बॉल बेयरिंग देखने को मिलेगी, 2 साल की वारंटी है,
और क्रॉम्पटन की सबसे बढ़िया बात यह है कि क्रॉम्पटन मेड इन इंडिया ब्रांड है और 500 से भी ज़्यादा सर्विस सेंटर्स हैं इनके पूरे इंडिया में। तो अगर आप खरीद भी लेते हैं ये मॉडल और भगवान ना करे भविष्य में कोई इशू आता है तो सर्विस आपको इजीली मिल जाएगी वारंटी पीरियड के अंदर। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है बजाज ब्रांड की तरफ से बजाज फ्लोर 1200 mm सीलिंग फैन। इसका जो प्राइस है वो है 1300 से 1400 के बीच में, यानी कि पिछले मॉडल के मुकाबले इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पॉइंट होगा, इसका फीचर होगा जिसकी वजह से इसका प्राइस कम हुआ है। कॉपर वाइंडिंग मोटर इसमें आपको मिल जाती है। स्वीप साइज जो है वो 1200 mm यानी कि 48 इंच का स्वीप साइज है, यानी कि अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है। वॉटेज यहाँ पर आपको 56 वॉट देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात है, कम इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है। स्पीड इसकी हो जाती है 340 RPM, तो आप ये देख सकते हैं पिछले वाले मॉडल के मुकाबले इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है और ये रीज़न हो सकता है कि इसका प्राइस कम है। एयर डिलीवरी 205 CMM है, जो कि पहले वाले के जैसी है। डबल बॉल बेयरिंग इसमें भी आपको मिल जाता है और वारंटी इसमें भी आपको 2 साल की मिलती है। तो सिर्फ स्पीड की वजह से इस फैन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम हो गया है। नंबर थर्ड पोजीशन पे है हैवल्स ब्रांड का हैवल्स एंड्रिया 1200 mm डस्ट रेजिस्टेंट सीलिंग फैन। इसका जो प्राइस है वो है 2400 से 2500 रुपये के बीच में, यानी कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। प्राइस बढ़ने का रीज़न है सबसे पहला इसका डिज़ाइन। हैवल्स का ये जो फैन है ये डिज़ाइन में बाकी फैंस के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है दिखने में, और ये हैवल्स ब्रांड का है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी सारे सीलिंग फैंस ऑलरेडी देखे हुए हैं, तो हैवल्स ब्रांड के जो फैन होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते ही हैं। तो ये हैवल्स ब्रांड का फैन है इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। इसमें भी आपको कॉपर वाइंडिंग मोटर मिल जाती है। स्वीप साइज़ आपको सेम मिलेगा स्टैंडर्ड 1200 mm। वॉटेज 75 वॉट मिलेगी। स्पीड यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है आपको, 390 RPM की स्पीड मिल जाती है। और एयर डिलीवरी भी थोड़ी सी अच्छी है, आप देख सकते हैं 220 CMM की एयर डिलीवरी है, जो कि पिछले दो मॉडल्स के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है। डबल बॉल बेयरिंग इसमें भी आपको मिल जाता है और 2 साल की वारंटी है। तो थोड़ा सा डिज़ाइन आप कह लीजिए और थोड़ी सी परफॉर्मेंस कह लीजिए, जिसकी वजह से इसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। मैं खुद ये बात मानता हूँ कि इसका प्राइस थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है इसके फीचर्स के हिसाब से। काफ़ी सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो सेम फीचर्स या इनसे भी अच्छे फीचर्स के साथ आपको कम प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आ जाता है कैंडिस ब्रांड की तरफ से फ्लोरेंस मॉडल। मुझे हंसी आ रही है जब मैं इस ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आगे आप इसके नाम में देख सकते हैं हाई स्पीड एंटी डस्ट फैन यहाँ पर लिखा हुआ है। एंटी डस्ट की जो असली सच्चाई है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप ये वाला फ़ैन लीजिए। एंटी डस्ट कोटिंग जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं है इस फैन में, लेकिन बाकी इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहले आप प्राइस देख सकते हैं इसका, 1500 से 1600 प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम हो जाती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, यानी कि काफ़ी कम एनर्जी कंज्यूम करता है। कॉपर वाइंडिंग मोटर आपको इसमें मिल जाती है। स्वीप साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 1200 mm का स्वीप साइज़ है। वॉटेज इसकी 50 वॉट है, जिसकी वजह से 5-स्टार रेटिंग इसमें आपको मिलती है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 400 RPM की स्पीड है। अभी तक जितने मॉडल मैंने इस लिस्ट में कवर करे हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड है इस फैन की। एयर डिलीवरी की बात करूं तो वो भी 230 CMM है, ये भी सबसे ज़्यादा है बाकी जितने इस लिस्ट में मॉडल्स हमने कवर करे हैं। डबल बॉल बेयरिंग इसमें आपको मिल जाती है और वारंटी इसमें आपको 2+1 ईयर्स की मिलती है। 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है, 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिल जाएगी अगर आप प्रोडक्ट खरीद के 7 दिन के अंदर आप उसको रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करना होगा आपको कैंडिस की ईमेल पर, डिटेल्स लिखकर भेजनी होंगी। और इस ये जो 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है ये प्रो रेटा बेसिस पर आपको मिलेगी। प्रो रेटा अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, नॉर्मल जो वारंटी होती है उसका मतलब ये होता है कि अगर वो प्रोडक्ट उस वारंटी पीरियड में ख़राब हो गया तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सही करके देगी। जब प्रो रेटा वारंटी लग जाती है तब उसका मतलब होता है कि कंपनी उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगी, एक नया प्रोडक्ट आपको दे देगी, ये वाला प्रोडक्ट ख़राब प्रोडक्ट आपसे ले लेगी और बदले में आपको थोड़े पैसे भी देने पड़ेंगे। तो आप देखिए, अगर आपको प्रो रेटा वारंटी सही लगती है तो सही बात है, वरना आप इस वारंटी को इग्नोर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से प्रो रेटा वारंटी का कोई लॉजिक नहीं होता है, नॉर्मल वारंटी पर फोकस कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया एंटी डस्ट कोटिंग इस फैन के टाइटल पे लिखा हुआ है, तो इस वक्त आप ये इमेज देख सकते हैं, ये सेम फैन है जो एक कस्टमर ने परचेज किया था कुछ टाइम पहले, उन्होंने यूज किया है और अब आप इसकी इमेज देख सकते हैं कितनी धूल इस पर लगी हुई है। तो एंटी डस्ट कोटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, कभी भी आप इस मार्केटिंग गिमिक में फॉल मत कीजिए। लास्ट फैन जो हमारी लिस्ट में है वो है ओरिएंट ब्रांड की तरफ से। तो आप देखेंगे इस वीडियो में मैंने 5 अलग अलग ब्रांड के मॉडल्स कवर करे हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, तो आपको आइडिया मिल जाए कि किस ब्रांड का प्राइस लगभग कितना रहता है और एवरेज प्राइस एक सीलिंग फैन का कितना होना चाहिए। इस मॉडल का जो प्राइस है वो है 1600 से 1700 के बीच में। इसमें भी आपको कॉपर वाइंडिंग मोटर मिल जाती है,
स्वीप साइज आपको 1200 mm का मिल जाएगा। 78 वॉट ये कंज्यूम करता है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कट होती रहती है और आप इन्वर्टर बैटरी पर इस फैन को चलाएंगे तो वहाँ पर बैटरी आपकी जल्दी डाउन हो जाएगी, तो इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम वोल्टेज वाला फ़ैन ही कंसिडर कीजिए। स्पीड इसमें आपको 360 RPM की देखने को मिलेगी। एयर डिलीवरी 230 cm है जो कि ठीक है। वारंटी इसमें भी आपको 2 साल की मिल जाती है। तो ये 5 मॉडल थे, मैंने आपको प्राइजेस बता दिए। इन सारे ही मॉडल्स के Amazon के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ नहीं भी करना चाहते तो एक बार लिंक पर क्लिक करके जाइए, डिटेल्स चेकआउट कीजिए, यूज़र फीडबैक चेकआउट कीजिए, और अगर हो सकता है ये प्राइस जो मैं आपको बता रहा था इससे भी कम प्राइस में अगर ये मॉडल आपको मिल जाते हैं तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। बाकी सारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वाले सीलिंग फ़ैन थे ये, जो कि नॉर्मल फ़ैन होते हैं, हमारे घरों पर लगे होते हैं। अगर आपको BLDC सीलिंग फैंस देखने हैं तो उसके ऊपर एक नई वीडियो मैं बना दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स पर वीडियो देखना पसंद है, स्पेशली सोलर अप्लायंसेज या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। Thank you for watching the video. Goodbye.